इन्वेस्टमेंट स्टार्ट हो रही है यहाँ पे अप्रोक्स 7.5 सीआर, 3 बीएचके का, 3.5 बीएचके का साइज, अप्रोक्स 3000 स्क्वायर फीट के आसपास रहेगा। लोकेशन बहुत अच्छी है, एसपीआर रोड सेक्टर 69। हेलो, कैसे हैं आप लोग? आए सभी अच्छे होंगे। मैं राज यादव आज आपके लिए गुड़गांव में एक बहुत अच्छी इन्वेस्टमेंट की अपॉर्चुनिटी लेके आया हूँ। ब्रांडेड रेजिडेंसी गुड़गांव में आ रही है। मैं बात कर रहा हूँ ट्रम्प टावर 2। ट्रम्प टावर जो पहला इनका आया था 2018 में लॉन्च हुआ था सेक्टर 65 में एनथियम के साथ। इंडिया में ट्रम्प टावर को ट्रेबेका लेके आती है, मतलब उनकी फ्रेंचाइजी है, इनके ओनर है मिस्टर कल्पेश मेहता। अभी भी उन्होंने कुछ टाइम पहले अनाउंसमेंट किया था कि 5 और इनके ट्रम्प टावर आ रहे हैं। सो उसमें मुंबई, पुणे, गुड़गांव का नाम भी था। तो सबसे पहले गुड़गांव में लॉन्च हो रहा है और रेरा ऑलरेडी इन्होंने अप्लाई कर दिया है। सो प्रोजेक्ट की बात करें, 2018 में जब ट्रम्प टावर लॉन्च हुआ था उस टाइम पे सबसे महंगा प्रोजेक्ट था सेक्टर 65 में। और आज भी अगर हम ट्रम्प टावर 2 को देखते हैं सेक्टर 65 और उस लोकेशन में जहाँ पे डीएलएफ आर्बर भी है, एनथियम का ऑलरेडी गोल्फ स्टेट भी है, या उस एसपीआर रोड एक्सटेंशन रोड पे जितनी भी प्रॉपर्टी है सबके रेट में रिसेल में जो डिफरेंस है वो 10,000 स्क्वायर फीट का आता है जी ट्रम्प टावर में और बाकी में, जो कि फ्रेश उसी प्राइस के आसपास लॉन्च हुए थे। 10,000 रुपए का रिसेल का फर्क आता है। तो ये है ट्रम्प टावर की खासियत आपकी इन्वेस्टमेंट के लिए। सो इस साल के एंड तक उसकी पोजीशन भी आ जाएगी। बात करते हैं ट्रम्प टावर 2 की। रेरा ऑलरेडी अप्लाइड है, नवंबर में इसका रेरा आ जाएगा। ईओआई इसकी स्टेज की स्टार्ट हो चुकी है। सिर्फ 300 ही अपार्टमेंट आ रहे हैं यहाँ पे, 3.5 बीएचके और 4.5 बीएचके। 3.5 बीएचके का साइज अप्रोक्स 3000 स्क्वायर फीट के आसपास रहेगा, वहीं 4.5 बीएचके का साइज आपका 4000 स्क्वायर फीट के आसपास रहेगा। प्राइसिंग मैंने बताया 3.5 बीएचके 7.5 करोड़ के आसपास आएगा। स्टार्टिंग की जो 50 यूनिट्स की जो पहले बुक होगी या ईओआई जिनकी जाएगी उनके लिए अलग से एक डिस्काउंट ऑफर रहेगा, प्लस और क्या क्या वो उसमें पार्क्स देते हैं वो सेपरेट रहेंगे। सो इस प्रोजेक्ट के बारे में सेक्टर मैंने आपको बता दिया, बिल्कुल एसपीआर रोड की प्रॉपर्टी है, सोना रोड से लगता हुआ प्रोजेक्ट। अभी आपने देखा होगा स्मार्ट वर्ल्ड का भी प्रोजेक्ट आया था। सो आज स्मार्ट वर्ल्ड की लैंड पे ही ये प्रोजेक्ट बनने वाला है। पहले भी एमसीएम के साथ जॉइंट वेंचर था इंडिया में इनका, आज भी कल्पेश जो ट्रेबेका है उनका एमसीएम के साथ ही, क्योंकि वो स्मार्ट वर्ल्ड भी सेम ही कंपनी है एमसीएम की। सो इस प्रोजेक्ट के बारे में ज्यादा जानने के लिए, ईओआईस के लिए आप हमें कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, हमारा नंबर आपको स्क्रीन पर मिलेगा। फिर मिलते हैं वीडियो में, टिल देन गुड बाय।